कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एशियन कंट्री से आते हैं, इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम करेंगे तो आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने के लिए एक कार्ड बनवाना पड़ता है जिसको कहते हैं CACS कार्ड। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कार्ड्स होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो ग्रीन कार्ड से होती है। CACS का आपको कार्ड बनवाना पड़ता है, इसके बिना आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का कार्ड होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो तो आपको किस किस तरीके की हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर काम करोगे तो वहाँ बहुत सारा रिस्क होता है, इस वजह से। तो यहाँ की गवर्नमेंट का रूल ये है कि जब अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना है तो आपके पास कार्ड होना चाहिए। इट मीन्स आपको यहाँ के रूल और रेगुलेशंस पता है कि आप साइट पे कितनी सेफ्टी से काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है तो CACS कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम पे लाके बताऊंगा कि कौन सी साइट वेबसाइट पे जाके आप किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो और आप CACS अपना कार्ड बनवा सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आप CACS कार्ड बनवाने का प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाके लिख लेते हैं CITV, उसके बाद CITV के जो टेस्ट ऑप्शन खुल जाता है, इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आके हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम PSN पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि PSN के जो अपनी साइट है उनके सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ये टेस्ट होता है। तो हम जा रहे हैं इनकी साइट के ऊपर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेज खुलेगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको एक अपना यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको पहले से अकाउंट है तो आपको यहाँ पर आके सिर्फ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास पहले से यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पर अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूँगा, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि आप नेक्स्ट पेज पर जाके क्या कर सकते हो। साइन इन करने के बाद में हमारे पास व्यू एग्जाम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल मैनेज और कई ऑप्शंस और भी आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर व्यू एग्जाम को देख रहे हैं। हम व्यू एग्जाम में जाएंगे क्योंकि हमने एग्जाम बुक करना है। तो इसको अपन ओपन करते हैं। तो हम आ गए हैं व्यू एग्जाम क्लिक करने के बाद में इस पेज के ऊपर। इसमें हमें जाना है ऑपरेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी ऑपरेटिव एग्जाम देना है, हमें जो देना है हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट फॉर ऑपरेटिव। उसके बाद ये पेज खोल के एग्जाम डिटेल्स आ जाएंगी, कितना चार्जेस हैं, 22 pounds के चार्जेस हैं और पॉलिसीज क्या है एग्जाम की, और जो नोट्स है वो आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आता है डू यू नीड एनी एडिशनल सपोर्ट, तो आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप इसको नो करोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आने के बाद में आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपने और कोई भी एग्जाम सेम डे में देने हैं नहीं देने हैं, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब आगे ये सारी पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशन, एडमिशन पॉलिसीज लिस्ट है ना, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एग्जाम देते टाइम। वैसे स्पेशली कोई रिपोर्टेंट है तो, लेकिन एक आपको आईडी चाहिए होती है जो आपको वहाँ पे शो करनी है, वो जरूर लेके जाइए, उसको ले जाना मत भूलिएगा। आप एग्री पे क्लिक करोगे, आपके सारी डिटेल्स आप एग्री कर लिए। उसके बाद आ रहा है ये वाला पेज जहाँ पर हमें टेस्ट सेंटर फाइंड करना है अपने नियर बाय जो भी होगा। मेरे पास ये वाला है, आपका पोस्ट कोड डालना पड़ेगा आपको उसके लिए, जो भी आपके नियर बाय पोस्ट कोड होगा या जिस पोस्ट कोड पर रह रहे हो। जब आप उस पर सर्च करोगे तो आपके नियर बाय जितने भी सेंटर्स हैं इसमें शो करने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4.5 mile, 5 mile दिखा रहा है, जो आपको नियर पड़ेगा आप अपने नियर सेंटर के हिसाब से उसको टिक कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको टिक करते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ अवेलेबल डेट शो करता है, उस सेंटर में कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल है जिसमें जहाँ पे आप जाके एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें 13 दिख रहा है, अगर हम 13 दिसंबर को नहीं देना तो हम आगे जनवरी में, जनवरी में चेक करते हैं। हमने 8th ओपन कर लिया है, 8th को हमें 3:30 के अराउंड अपॉइंटमेंट चाहिए थी, हमने इसको क्लिक कर लिया।
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। तो जिस तरीके का फाइनल पेज आएगा इसमें सारी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, क्या टाइमिंग है आपका, लोकेशन कैसी, सेंटर कौन सा है, ठीक है, एग्ज़ाम कौन सा है, इसको करने के बाद में फाइनली आपको प्रोसेस करना है इसको, राइट। एडिशनल है अगर आपको कुछ स्टडी का मटेरियल से लेना तो ले सकते हैं, उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ये फाइनल जो पेज आ जाता है वो पेज आता है पेमेंट करने का। इस पेज पे जाके जब आप पूरी तरीके से पेमेंट करते हो और आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपका एग्ज़ाम बुक हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर इसी एप्लीकेशन में होते हैं जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्योंकि यही एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको सारे इसके क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। जब आप अपने टेस्ट को पास कर लेते हो उसके बाद आपको ये दिए हुए नंबर पर कॉल करना है और उनको बोलना है कि मैंने CACS कार्ड का पेपर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद को आपको एक लेवल वन का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। उस लेवल सर्टिफिकेशन को देने के बाद में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको CSE कार्ड इशू कर देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आपको बताने के लिए कि अगर आपको क्वेश्चन साइट पे काम करना है तो CACS कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू CACS या अदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर दे दूंगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज करना लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम इज द इजीएस्ट वे टू आंसर यू। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे क्वेश्चन पुट करते हैं तो ईजी रहता है कि आपको मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ।